today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. Hello everyone, I hope doing absolutely fine guys. मैं हूं कोस्ट आपका दोस्त ले आया हूं आपके लिए कौन है टॉपिक एक और नया वीडियो नाउ वाचिंग योर माय YouTube चैनल. सो गाइस जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग में सिनेमैटिक आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं. आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है वाइट ब्यूटी अपाची RTR 160 और ये है फुल मॉडिफाइड. अगर आपके पास इसके अलावा अपाची का कोई और मॉडल है 4B है 160 है 200 है सेम मॉडिफिकेशन आप इस पर भी कर सकते हो. इसमें 90% मॉडिफिकेशन कर रखी है और जो मॉडिफिकेशन कर रखी है बेस्ट है. यानी कि इसमें ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा रखे हैं जो काफ़ी अच्छे. अगर आप यहाँ हैंडल बार पर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही यूनिक सा एक चीज़ होगी. हर बंदा रोक कर पूछेगा भैया ये क्या चीज़ लगा रखी है. KTM वाले मिरर मजबूत भी प्लस इसमें आपको LED इंडिकेटर मिल जाते हैं. फुल बॉडी क्रैश गार्ड हो गया सीट कवर डिक्की बहुत सारी एक्सेसरीज है. चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता है. सामने खड़ी है गाइस अपने वाइट ब्यूटी अपाची RTR 160 और इसमें जो मॉडिफिकेशन की गई है वो काफ़ी लेटेस्ट है और काफ़ी बेस्ट है. और अभी तक इस तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर नहीं देखने को मिली होगी तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ. पहले बता दूँ आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है जो कि आपको पता चल रहा होगा देखने से ही. और इसमें जो एक्सेसरीज ऐड करी गई है वो सेफ्टी वाली एक्सेसरीज हैं प्लस कुछ एक्सेसरीज में ऐसी हैं लाइक आप देख सकते हैं ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह हैं. तो देखिए करके शुरू करता हूँ. और उससे पहले मैं आपको बता दूँगा इसके इसके अंदर हज़ार सिस्टम लगाया गया है और हज़ार सिस्टम के साथ साथ में यहाँ पर लगा रखे हैं LED बल्ब. और LED बल्ब का फोकस और ब्राइटनेस ज़्यादा होती है कंपेयर करूँ अगर स्टॉक बल्ब से यानी कि जो कंपनी वाले बल्ब आते हैं तो उसके फोकस में इसके फोकस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है जैसे कि आपके सामने है. और हैज़ार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप इस स्विच को लेफ्ट राइट बीच में प्रेस करोगे फास्ट फास्ट और जितनी बार आप करोगे उतनी बार इसके पैटर्न हो जाएंगे चेंज. ये देख सकते हो गाइस. और साथ ही में यहाँ पर लगाए गए हैंड गार्ड जो कि वो भी वाइट कलर के हैं और इसमें भी आपको येल्लो कलर का जो कि आप उसके सामने है इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है. ये देखो अगर मैं नॉर्मल इंडिकेटर दूँ तो देखो गाइस और वाइट पे ये ऑरेंज कलर के जो इंडिकेटर जो लाइट जल रही है काफ़ी अच्छी लग रही है. देखो गाइस और यहाँ पर लगा रखे हैं KTM वाले स्टाइल वाले मिरर. ये देख सकते हो आप यहाँ से KTM वाले लेकिन इस तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेंगे इंडिकेटर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है. ये देखो बाकी एक मिरर इसमें ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको इस तरफ भी इंडिकेटर मिलेगा इस तरफ भी इंडिकेटर मिलेगा बट इस तरफ हैंड गार्ड का काम कर देगा और इस तरफ जो पीछे वाला राइडर आपके आ रहा होगा उसको पता चलेगा कि गाड़ी ने किस साइड का इंडिकेटर दे रखा है. इसके अलावा गाइस यहाँ पर लगा रखा है मोबाइल होल्डर जिसमें आपको चार्जर भी मिल जाता है. ये देख सकते हो नीचे यहाँ पर USB का ऑप्शन दे रखा है आप लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो. ये मेटल का है या प्लास्टिक का नहीं होते बहुत ही हैवी क्वालिटी का. एक बार फ़ोन लगा दिया तो बस लगा दिया और फ़ोन लगाने के लिए आप यहाँ से इसको लूज़ करके और कुछ इस तरीके से फ़ोन लगा सकते हो. गाइस फ़ोन आपके पास कोई भी हो नॉर्मली जो फ़ोन जितने भी हैं वो सब इसमें ईजिली आ जाएंगे. ये देखो गाइस और आप इसको कर दो टाइट अब ये कहीं नहीं जाएगा गाइस. ये देख सकते हो जितना मर्जी टाइट कर लो आप. इसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पर मैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फुल बॉडी क्रैश गार्ड. ये देख सकते हो आप सोया सब देख सकते हो यहाँ पर फुल बॉडी क्रैश गार्ड लगा रखा है जिसका बेसिकली यूज़ होता है कि इनकेस कभी गलती से बाइक गिरता है तो गाइस आपका जो है टैंक आपका इंजन और आपके लैग्स रहते हैं प्रोटेक्ट बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. टूटना छोड़ो स्क्रैच भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दो स्लाइडर भी लगा रखे हैं जिसका एक यूज़ आप ये भी कर सकते हो कि लॉन्ग राइड के समय में इस तरीके से पैर रख सकते हो. काफ़ी कम्फर्टेबल है और इस तरीके का ऑप्शन अपाची के सारे मॉडल्स में अवेलेबल है. यानी कि इस क्रैश गार्ड आप देख सकते हो यहाँ पर सारे क्रैश गार्ड लगे हुए हैं आपके पास अपाची हो R15 हो हॉर्नेट हो एक्सट्रीम हो या राइडर हो सबके यहाँ पर क्रैश गार्ड लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हो. बाकी रॉयल एनफील्ड वगैरह के भी हैं तो बात कर रहा था यहाँ पर तो इस तरह से भी आप पैर सकते हो. तो ये देख सकते हो गाइस आप तो ये तो हो गई सेफ्टी वाली एक्सेसरीज. बाकी सीट कवर देखो कितना बेहतरीन सा है गाइस. देखो वाइट और रेड कलर का लिया गया भाई एक नंबर का लग रहा है यहाँ से देखो क्योंकि इसमें जो तीन कलर दिए गए वाइट रेड और ब्लैक तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है वही इस सीट पर देखने को मिल जाता है. काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है गाइस जैसा कि आपके सामने है. ये देख सकते हो साथ ही यहाँ पर छोटी सी डिक्की लगा दी इसमें छोटा मोटा सामान आप कैरी कर सकते हो और जब चाहो इसको आप लॉक कर सकते हो जब चाहो इसको अनलॉक कर सकते हो क्योंकि इसमें छोटी सी एक की भी मिलती है आपको दो. और जो LED बल्ब हैं गाइस वो भी यहाँ पर बीच लगाए गए हैं और इस इंडिकेटर के अंदर भी देख सकते हो बल्ब है LED और इस LED बल्ब के अंदर भी करीब 40-50 छोटे छोटे LED बल्ब आपको देखने को मिल जाते हैं. ये देख सकते हो सो गाइस ये है ब्लूटूथ सिस्टम जिसमें स्पीकर्स हैं. आपको यहाँ से कंट्रोल करना होगा अपनी जो है इसकी आवाज़ वगैरह कम करना या सॉन्ग वगैरह चेंज करना. यहाँ पर लगा रखिए देखो स्पीकर एक स्पीकर इस तरफ आपको देखने को मिल जाता है ये वाटरप्रूफ है और एक गाइस उस तरफ लगा रखा है और यहाँ पर वहीं हॉर्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं और फॉग लाइट भी. फॉग लाइट में आपको दो कलर मिल जाते हैं बट मैं पहले आपको सुनाता हूँ स्पीकर का.
सो जब तक इसका पेयरिंग हो रहा है ब्लूटूथ से, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉग लाइट का फोकस और क्या क्या है। सो गाइस ये स्विच जिसमें आपको दोनों लाइटें कंट्रोल कर सकते हो, येलो भी और गाइस वाइट भी। ये देखो गाइस, तो ये इसका येलो है और ये है इसका वाइट, और ये कुछ इस तरीके से सामने से आपको देखने को मिल जाती है। ये देखो गाइस छोटी सी लाइट है लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी जो है मार है, यानी कि फोकस और ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है इसका गाइस। और फॉग के समय में, बरसातों के समय में काफ़ी यूज़फुल है, जिससे एक्सीडेंट के भी काफ़ी कम चांसेस जाते हैं। बात करता हूँ हॉर्न की, तो हॉर्न का भी एक बार आप साउंड सुन लो कि साउंड कैसा है। तो ये देखो गाइस, मतलब परफेक्ट साउंड है इसका, ओवर भी नहीं है और जो मकसद है लगाने का वो पूरा हो जाता है इस वाले साउंड को गाइस। ऑल ओवर आप मॉडिफिकेशन देख सकते हो इसकी कितनी बेस्ट है, सब कुछ में ऑल ओवर मैच किया गया है। और ये देख सकते हो गाइस आप, तो आप सुनाते हैं साउंड। और ये देखो कुछ इस तरीके से इसका सर्टिफेस है ब्लूटूथ का, यहाँ पर आप यूएसबी केबल लगा सकते हो, ये देख सकते हो आप। और स्पीकर मैंने आपको दिखाई दिया, तो करते हैं इसको पेयरिंग और आपको सुनाते हैं एक नॉर्मल सा साउंड के इसमें कैसा साउंड आता है। तो अभी क्या है, ये एफएम मोड एक्टिवेट हो गया है, ये देख सकते हो आप। और ये इसका जो है प्लस और माइनस, जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये वॉल्यूम वगैरह के लिए हो गया। ये देखो, सो गाइस मैं एक, आप देख सकते हो इसमें एनसीएस वाले सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि कॉपीराइट थोड़ा इश्यू है, तो आप आईडी सुन सकते हो साउंड। मतलब नॉर्मल साउंड है, ज्यादा है ये भी नहीं है कि लोग परेशान हो। आप जो बाइक पे जो राइडर होगा ना, तो उसके लिए परफेक्ट है। सो बाकी सारी एक्सेसरीज मैंने आपको दिखा दी, कुछ रहेगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। बाकी मेरे चैनल पर आप जाके देखोगे तो आपको काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे अपाची की, चाहे आपके पास कोई भी मॉडल हो, कोई भी एडिशन हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पर लगा रखी है DRL लाइट, जो कि आप ब्रेक लगाओगे ना तो देखो यहाँ पर इंजन और आपका जो बैक साइड है ये ब्लू कलर के स्ट्रिप से जगमग हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर स्ट्रिप्स लगा रखी हैं, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अट्रैक्टिव है और कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है गाइस। इसके अलावा गाइस यहाँ पर लगा रखा है टायर हैगर के काफ़ी सारी वैरायटी हैं, बट ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सिंपल सा है। इसका लगाने का बेसिकली फ़ायदा होता है, यहाँ देखो आप कितनी मिट्टी है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप टायर हैगर यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, आप अगर मिट्टी वगैरह होगी ना तो फिर यहीं पर ही होल्ड हो जाएगी, आपका जो ये वाला पार्ट है ये साफ रहेगा गाइस। तो ये थी मॉडिफिकेशन जो आपने देखी, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्राइसिंग वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। दिल्ली के रहने वाले तो करोल बाग नए वाला मार्केट में आ सकते हो शॉप पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिले तो आपसे विदा, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।